नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2+2 का खेल ये जो चल रहा है, आप निश्चित तौर पर समझ रहे होंगे इसे किस तरह से अमेरिकी विदेश मंत्री, अमेरिकी रक्षा मंत्री इस वक्त पे भारत है और भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इन लोगों से बातचीत चल रही है। इन लोगों की बातचीत के बीच गलवान की झड़प का भी जिक्र हुआ है, क्योंकि चीन को यहाँ से मैसेज देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेका एग्रीमेंट जो हो रहा है वो निश्चित तौर पर जो कामयाब हो चुका है, जिसको अगर आप सरल भाषा में समझे तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, यानी अब और ज़्यादा सहज होगा दोनों देशों के लिए एक दूसरे के रिसोर्सेज को यूज़ करना। और 2+2 का खेल क्या है? उनके रक्षा मंत्री मार्क एस्पर, उनके विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन 2+2 की थीम पर चल रहे हैं कि लगातार अब दोनों लेवल्स पर बात हो, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी और स्ट्रैटेजिक लेवल पे भी, डिफेंसिव लेवल पे भी। आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री के साथ जब हैदराबाद हाउस में कल मुलाकात हो रही थी तो आपके तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर मौजूद थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत मौजूद थे, और आज सुबह भी जो है वो जो शहीदों की स्मृति चिन्ह है वहाँ पर ये गए थे, और साथ ही साथ मार्क एस्पर और माइक पोम्पियो भी वहाँ पर गए थे, जो कि अमेरिकी रक्षा मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री है। तो ये एक पूरा का पूरा सोशल ताना बाना इस वक्त पर बुना जा रहा है कि चीन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा सके इस पूरे के पूरे मामले में जो अब तक चलता आ रहा है। और इसी बीच गलवान झड़प का जिक्र, और गलवान में निश्चित तौर पर भारत ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है चीन को, उसको लेकर के भी बातचीत चल रही है। ऐसे में ये जो पूरा का पूरा खेल है ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि भारत ये चाहता है कि इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, स्ट्रैटेजिकली हो, डिफेंसिवली हो, किसी भी तरह से चीन को जो है वो पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, चीन को जो है वो पूरी तरह से लचर कर दिया जाए। अमेरिका भी यही चाहता है। ट्रेड वॉर का जंग पहले से थी, इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, ख़ास तौर पर कोविड की बीमारी के बाद, जिसके बाद लगातार अमेरिका विरोध दर्ज करा रहा है, लेकिन चीज़ें उस तरह से अभी होती हुई नहीं दिख रही हैं। फिलहाल ये जो 2+2 का फॉर्मूला है ये कितना काम करेगा ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि चीन पर इसका असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस तरह की मुलाकातें बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। भारत निश्चित तौर पर ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, आपने भारत में ऐसी चीज़ों को नहीं देखा होगा, लेकिन अब जो ये फॉर्मूला है ना कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री साथ मिलकर दूसरे देश के अपने काउंटर पार्ट से बात कर रहे हैं, और चीन को लेकर के लगातार बहुत अहम है कि क्या बातें हुई होंगी और चीन को लेकर के क्या कदम उठाए जाएंगे, ये भी बहुत दिलचस्प होगा। ये देखते हुए कि अमेरिका में अब एक नया राष्ट्रपति आएगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रपति रहेंगे, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। इन सब के बीच 2+2 का फॉर्मूला कितना काम करता है ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए।